नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्र व्यू में। व्यक्ति और किसी भी संगठन से बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र प्राणों से बड़ा होता है। हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है। शास्त्रों ने, विद्वानों ने धर्म की पांच प्रकार की व्याख्या की है। व्यक्तिगत धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म और वैश्विक धर्म। इसीलिए व्यक्तिगत धर्म से बड़ा राष्ट्रीय धर्म होता है। यही राष्ट्रीय धर्म प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोपरि है और होना भी चाहिए। लेकिन अतीत साक्षी है कि प्रजातंत्र के इस देश में महत्वाकांक्षी विचारों वाली राजनीति ने संविधान के आदर्शों, उसकी मान्यताओं को मानवीय राष्ट्रीय अधिकारों की अवहेलना करने पर व्यक्तियों का पोषण और राष्ट्रीयता का शोषण किया है। अपने स्वार्थ में मजहबी विचारधाराओं को आश्रय देकर उनकी अनुचित मांगों और कर्तव्यों को मात्र अपना समर्थन जुटाने और उचित अनुचित सब मान्य करते हैं। इसका लाभ उठाते हुए जब किसी को कोई बात मनवानी हो तो उसके पक्ष में धर्म रूपी शस्त्र काम आता है। किसी बात को मानने या किसी को ना मानने में दलील देकर, धर्म की दुहाई देकर सबको चुप करवा दिया जाता है। दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर वही उठाता है जिसका ना तो दंगे से वास्ता होता है और ना उस मुद्दे से जिसकी वजह से दंगा हुआ। अब पिछले साल के पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू मुसलमान के दंगे को ही ले लीजिए, वहां भी यही हुआ था। और अब आज एक बार फिर से आपको इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की हम बात बताएंगे और इस घटना पर चर्चा करेंगे, जहां एक मुस्लिम चूड़ी वाले को कथित हिंदूवादी संगठन के लोग मुसलमान मुसलमान कहकर पीटते नजर आ रहे थे। पहले ये समझिए कि एजेंडा काम कैसे करता है, हमारे बीच नफरत कैसे एक धर्म को दूसरे धर्म का दुश्मन बना रही है, कैसे आज देश में रहने वाला हिंदू मुसलमानों का और मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन बन गया है। मध्य प्रदेश की घटना से बेहतर उदाहरण मौजूदा परिदृश्य में शायद ही कोई होगा। ये कहना गलत नहीं है कि भरे पेट वाले के कट्टरपंथ को एक गरीब असहाय चूड़ी वाले ने भुगता है। दरअसल आज एक बार फिर हम बात मध्य प्रदेश की ही कर रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश की जहां एक चूड़ी वाले को उसके धर्म को लेकर पीटा गया और फिर उसे ही पीड़ित से आरोपी बनाकर जेल में भी डाल दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसका पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें गुस्साई भीड़ चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली को बेरहमी से पीटती दिख रही थी। 13 साल के बच्चे को गलत तरीके से छूने के आरोप में उसकी जमकर पिटाई की गयी थी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि छेड़छाड़ में आरोपी तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उस पर अपनी पहचान से जुड़े एक फेक डॉक्यूमेंट्स रखने का भी आरोप है। तस्लीम को मंगलवार रात छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। उसके खिलाफ इंदौर पुलिस ने IPC के 7 धाराओं में FIR दर्ज की है। बता दें कि घटना के करीब 72 घंटे बाद 23 अगस्त को चूड़ी बेचने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शिकायत में नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि शर्म की वजह से वो 72 घंटे तक पुलिस के पास शिकायत के लिए नहीं पहुंची थी। पीड़ित बच्ची ने बताया था कि 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे वो अपनी मां के साथ घर पर ही थी और उसी समय तस्लीम चूड़ियां बेचने वहां पर आया था। उसी दौरान उसके साथ उसने छेड़छाड़ भी की थी। इससे पहले कांग्रेस ने छेड़छाड़ के आरोपी चूड़ी बेचने वाले का समर्थन किया था। ऐसे में पूर्व जनसंपर्क मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने इंदौर की घटना पर आक्रोश भी जताया था। PC शर्मा ने कहा था कि जिस लड़की से छेड़छाड़ की बात हो रही है वो अभी तक सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि BJP झूठ के कितने और पुलिंदे बांधेगी। आजकल जो कुछ BJP और उनके संगठन कर रहे हैं, ये देश के भविष्य के लिए खतरा है। हालांकि युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हालांकि युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गृह विभाग की जिस रिपोर्ट में युवक के पास फर्जी आधार कार्ड की बात कही गई, वो तो अभी तक मिले ही नहीं है।
वीडियो में दरअसल देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक की तलाशी ले रहे थे और उसके जेब से आधार कार्ड भी ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और जरा सोचिए, जिस मामले में अगर गृह विभाग भी शामिल हो जाए तो उस मामले में आईडी निकलवाना कितना आसान हो जाता है। लेकिन आईडी जब होगी तभी तो निकलेगी। चूड़ी बेचने वाले तस्लीम पर एक छठी क्लास की नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। लड़की के मुताबिक 22 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे एक लड़का चूड़ी बेचने वहां आया था। उसने अपना नाम गोलू और पिता का नाम मोहन सिंह बताया था। तस्लीम अपनी पहचान के लिए बता दें, उसने जला हुआ आधार कार्ड भी दिखाया था। लड़की ने बताया कि जब माँ अंदर पैसे लेने गई तभी युवक ने गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद वो चिल्लाई और लोगों ने घर पर उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। लड़की की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले तस्लीम के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था और अब तस्लीम की छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसके खिलाफ IPC की धारा 7 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बयान में 13 साल की पीड़ित बच्ची ने लिखवाया और कहा कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके गलत इरादे से उसका हाथ भी पकड़ा था। देखिए, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जिसमें आपको ये बताएंगे कि आखिर जिस मामले पर अब इतना बवाल हो रहा है वो शुरू कहां से हुआ था। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर का एक वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार 22 अगस्त का बताया जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। दरअसल यहाँ कुछ लोगों ने चूड़ी बेचने वाले एक शख्स की पूरी तरह से पिटाई कर दी। वीडियो में जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसकी पहचान 25 साल के तस्लीम के रूप में हुई है। वो यूपी के हरदोई जिले का निवासी है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस से FIR दर्ज कर ली है और इस 2 मिनट के वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि पीला कुर्ता पहना एक शख्स पीड़ित के बैग से चूड़ियां निकाल रहा है। पीछे से एक दूसरा व्यक्ति पीड़ित को थप्पड़ मार रहा है। ये शख्स पीड़ित से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके बाद चूड़ी बेचने वाले युवक को पीटने के लिए लोगों को उकसाया जाता है। घटना के समय आसपास खड़े लोगों से कहा जाता है कि कम से कम एक एक तो सब मारो। मारने के लिए बुलाने वाला शख्स कह रहा है कि कम से कम उस चक्कर में ही मार दो कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हो। बता दें कि इंदौर के बम्बई बाजार इलाके में 14 अगस्त को 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इसमें 10 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज करके कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। बहरहाल आरोपियों को उकसाने पर भीड़ में से कुछ लोग सामने आते हैं और तस्लीम को पूरी तरह से पीटने लगते हैं। पीड़ित को गालियां भी दी जाती हैं और इस बीच पीले कुर्ते में मौजूद शख्स लोगों को तस्लीम की जेब चेक करने को भी कहता है। वो उसे मारने के साथ उसकी जेब में हाथ डाल कर मौजूद चीजें भी निकाल लेते हैं। इस दौरान ये कहते भी सुना जा सकता है कि ऐसा मत मारो कि निशान पड़े। पीटने वाले का आरोप था कि चूड़ी बेचने वाला महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। घटना का वीडियो वायरल होने पर इंदौर के बाणगंगा थाने की पुलिस को रात 10 बजे इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद अफसरों ने जांच शुरू कर दी और देर रात 12:30 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई। कहा गया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे, उसको लेकर के इसमें जो है FIR की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में FIR हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा सभी से निवेदन है कि अपना संयम रखें और किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, क्राउड जो था, क्राउड कार्रवाई की मांग कर रहा था और ऑलरेडी जो है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन एक लोगों को भावना रहती है कि कहीं इनजस्टिस ना हो उनके साथ में। तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किसी भी हालत में अन्याय नहीं होगा। जो सही कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, वो जरूर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद कुछ लोग देर रात युवक को लेकर सेंट्रल कोतवाली थाना पहुंचे।
उन्होंने पीड़ित की पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। एहतियात के तौर पर मौके पर 8 थानों के बल को भी तैनात कर दिया। देर रात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, लूट, धमकाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित तस्लीम ने FIR में लिखवाया है कि जब वो इलाके में चूड़ी बेच रहा था तो 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा। तस्लीम के मुताबिक नाम बताने पर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई और उसके 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। साथ ही तकरीबन 25,000 रुपए की चूड़ियां भी लूट ली गई। वहीं पीड़ित शख्स के मुताबिक रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद वो गोविंद कॉलोनी में चूड़ी बेच रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। तस्लीम नाम के युवक का कहना है कि वो चूड़ियां बेच रहा था और पहले लोगों ने उससे उसकी जाति पूछी। जब उसने अपनी जाति बताई तो लोगों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हालांकि युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गृह विभाग की जिस रिपोर्ट में युवक के पास से फर्जी आधार कार्ड की बात कही गई थी, वो तो अभी तक मिले ही नहीं है। वीडियो में दरअसल देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक की तलाशी ले रहे थे और उसके जेब से आधार कार्ड ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और जरा सोचिए कि जिस मामले में अगर गृह विभाग भी शामिल हो जाए तो उस मामले में IG निकलवाना कितना आसान हो जाता है, लेकिन ID जब होगी तभी तो मिलेगी। हालांकि जब तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया तो तभी से उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। दहशत के साए में तस्लीम का परिवार, सरकार से लगाई न्याय की गुहार। पत्नी ने तस्लीम को बताया निर्दोष। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक लिंचिंग की घटना ने पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। तस्लीम के साथ हुई इस मारपीट की घटना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई नेताओं के आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। ऐसे में इसके परिवार के लोग भी दहशत के साए में जी रहे हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीटा जाने वाला युवक तस्लीम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के विराइच मऊ गांव का रहने वाला है। वो चूड़ियों की फेरी इंदौर में लगाता था। बता दें कि विराइच मऊ गांव के करीब 30 लड़के हैं जो चूड़ियों की फेरी का काम करते हैं। सालों से चला रहा तस्लीम का व्यवसाय अचानक चर्चा का केंद्र बन गया और इस घटना के बाद बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आने लगी है। बहराइच मऊ का तस्लीम 5 बच्चों का पिता है। छोटे छोटे बच्चे और पत्नी और मां का सभी का रो रो कर बुरा हाल है और सरकार से हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है। मेरा आदमी है तस्लीम, ऐसे तस्लीम है, आधार 2 महीने हुए, एक में असलीम नाम है, एक में तस्लीम नाम है। तो गया वो 1 महीने से घर से गया कंगन चूड़ी बेचने के लिए, अपने बच्चे को पाल पोषण करने के लिए। तो उसने जाके वहाँ पर मोहल्ले में वो गया था, उसने बुलाया था कि हमको कंगन दे दो, तो उसको कंगन दिया, उसको 100 रुपये दिए, वो चल दिया, इतनी दूर निकला, 4-6 जने बिंद के ईंच लिया, वो ईंच के उसके लाते घूसे, बे भयनक मार चल रही थी उस पर। जब बे भयनक मार चल रही थी उस पर, उसके आधार देखे कि आप बताओ हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो उसने कहा नहीं साहब हम मुसलमान की सुन के उनकी और ज़्यादा पिटाई होने लगी और ज़्यादा मार चलने लगी उसके, किसकी लात किसकी घूसा उसकी बहुत पिटाई कादे से करने लगे। जब वो वहाँ पर से पुलिस में उसको कंप्लेंट किया तो थाने में आया, थाने में आके उसका पैसा भी निकाला, उसके कंगन भी तोड़े, कंगन भी बांटे, ले माँ बहनों अपने कंगन ले जाओ, हम बम्बई वाला बदला निकालेंगे। मेरा साफ आदमी ना कोई बस कंगन चूड़ी यही बेचता है, यही धंधा करता है, कोई कोई बात में नहीं है। सर मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा ये बताओ हम अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको कैसे मैं पर खिला पिला के मांग भीख के क्या खिलाऊंगी साहब, मेरे बच्चे छोटे छोटे तलब रहे हैं। हमको अब यही चाहिए कि हमको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा आदमी मेरे सुपुर्द चाहिए, बस यही चाहती हूँ।
मां और पत्नी का यही मानना है कि उसका बेटा और पति किसी तरीके से हरदोई वापस आ जाए। पिता मोहर अली बताते हैं कि गांव में कई लोगों के आधार कार्ड दो नामों से बने हैं। तस्लीम का आधार कार्ड ब्रियसलीन और तस्लीन नाम से दो आधार कार्ड बने हुए हैं। जाहिर है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते दोबारा आधार कार्ड बनते हैं और भुगतते पीड़ित हैं। उसको एक महीना हो गया सर, लड़का बेचने के लिए गया हूँ चुगड़ी कंगन, यहाँ खबर आई बेचने के लिए गया, एक औरत ने लिया 100 रुपए का कंगन लेके पैसे, वो चला और चला, उसको पकड़ लिया गया, पकड़ के उसके नाम पूछा कि मानने पीटने लगे, फिर झोला उठा के चला, फिर मानने पीटने लगे कि आपके दो दो नाम है, हिंदू मुस्लिम हो तुम, हिंदू मुस्लिम नाम के लेके उसको मानने लगा, कहने लगे, मानने लगा, पीटने लगा, हाथ भी जोड़ता है पाँव भी जोड़ता है कि सारे यहाँ मोहल्ले में तुम हिंदू हो यहाँ मुसलमान ही हो यहाँ कैसे तुम आए। तो लड़का कहने लगा सर मैं नहीं आऊँगा, हाथ भी जोड़े पाँव भी जोड़े नहीं छोड़े, उसके लड़के की मारपीट बहुत ज़्यादा की, लड़का मेरा रोने लगा पीटने लगा सब कुछ कहने लगा, मगर लड़का मेरा नहीं छोड़ा, यहाँ मुझको यहाँ जानकारी हुई, फैसला यहाँ मालूम हुआ, यहाँ खबर आई कि लड़का तेरा बहुत मारा है पीटा है, जब लड़का मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा साहब मैं जाना चाहता हूँ इंदौर में हूँ, ऐसे में ये बात हुई, ये मसला हुआ, लड़का मैं अपना लेना चाहता हूँ। हालांकि इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। साहब बंजारा बाबा विराजमान रहते हैं और हमारा गांव मुस्लिम का है साहब, पूरा गांव है साहब, धंधा चूड़ी का करते हैं और भले शहर जयपुर से लाते हैं साहब, बड़ी बड़ी दूर शहर से जाते हैं साहब, हमारे गांव के बच्चे धंधा करने इंदौर गए थे, वो साहब जो आधार नाम से निकले आए थे उनकी साहब कंगन चूड़ी मिली, उनकी बड़ी पिटाई हुई थी, एक तस्लीम नाम का था एक भोले नाम का आधार निकले आए थे, वहाँ बच्चा मारा गया साहब है, वहाँ हमारे गाँव के जो पूरे बड़े बड़े देश में बेचने जाते हैं अंदर थोड़ी सब कहीं कहीं जो जाते हैं बेचने को, पूरा गांव हमारा धंधा करता है साहब, 10-20 साल से कर रहा है साहब धंधा, और बेचने फेरी करने आते महीने दो महीने तीन महीने में लौट लौट के आते थे साहब, ये धंधा बसर बुसर करते आधार साहब पुरखों में धरती दो आधार करते, पहले बन गया जानकारी था, फिर उसने दूसरा आधार जैसे जानकारी नादान जानकारी बन गया था। तो आधार लेके क्यों चलते हैं? अरे बस साहब चले गए जैसे लेके चले गए होंगे तो वहीं झोले में होंगे साहब रखे होंगे, इस तरह से चले गए। दो नाम कैसे हुए? दो नाम जैसे तस्ली नाम से हो गए, पुरखुन धर दिए होंगे दो नाम, गांव में कहते हैं सर दो नाम उसी नाम से। इस घटना की जानकारी अब उन्हें मिली तो वो अपने साथियों के साथ वहां जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच मऊ में बंजारे रहते हैं, पूरा गांव बंजारों का है और इन लोगों का मुख्य धंधा जयपुर से चूड़ियां लाकर देश के अलग अलग इलाकों में बेचना है। ये लोग 2 से 2.5 महीने कहीं भी रहकर वापस हरदोई आ जाते हैं। बहरहाल परिवार अब सरकार की तरफ न्याय की आस लगाए बैठा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। 4 के चक्रियों में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।